भी सैटरडे या संडे आता है तो हमारे बच्चों और बड़ों सब की घर वालों की फरमाइशें चालू हो जाती है। ऐसे में हमें लगता है कि वो बोलते हैं चलो बाहर खा के आते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ घर का ही अपने तरीके से हाइजीनिक कुछ बना के दिया जाए जो उनको पसंद भी आए और वो बाहर का खाना भूल जाए। तो आज मैं आपको गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बताने वाली जो कि बहुत ही इजी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, किचन अर्चना का में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब बटर ले लिया है, ये मेल्टेड बटर है, मतलब इसको फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिए वो वाला बटर। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच गार्लिक ले लिया है जिसको मैंने एकदम छोटा छोटा चॉप कर लिया। थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे जो कि बहुत अच्छा कलर भी लेके जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि जो गार्लिक है और धनिया है ये बटर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। यकीन मानिए ये गार्लिक ब्रेड आपका रेस्टोरेंट और पिज्जा, डोमिनोज जहाँ से भी खाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये मेल्ट हो चुका है तो अभी यहाँ पे मैं गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पे पाव ले रही हूँ, जो बर्गर बनाता है ना वो ले रही हूँ। आप चाहें तो पाव भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 पाव का यूज़ किया है। अब इसको मैं बताऊँगी कि गार्लिक ब्रेड कैसे बनेगा। तो इसको इस तरीके की शेप में हम कट करेंगे, बिल्कुल बच्चे पहचान ही नहीं पाएंगे, चाहे बड़े खाएं या बच्चे, उनको लगेगा कि ये आपने रेस्टोरेंट से मंगाया है। तो इस तरीके से इसके पतले पतले या मोटे जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से इसके पीस कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर ये ब्रेड या बर्गर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए 2-4 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा टाइट हो जाएगा तो काटने में आसानी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं मैंने इनके पीसेस कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो पेस्ट हमने बटर वाला बना के रखा था ना वो इसके ऊपर हम अच्छे से मोटी लेयर या पतली लेयर जैसा आपके बच्चों या घर वालों को पसंद हो उस तरीके से इसमें फैला देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ना मैंने एक मोटी लेयर फैलाई है ताकि बच्चों को इतना ज़्यादा टेस्टी लगे कि वो जब भी कुछ बाहर का खाना हो तो वो मुझे ही फरमाइश करें। तो इसी तरीके से सारे जो ब्रेड हमने कट करके रखे हैं उनमें इसी तरीके से बटर को स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, और हाँ अच्छी तरीके से स्प्रेड करना ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि वो बाहर का खाएं। तो देख सकते हैं मैंने सारे ब्रेड में बटर स्प्रेड कर दिया है, लगा दिया है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। अब इसके ऊपर डालेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर तीखा कम पसंद करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या थोड़ा कम डालिए, जैसा आपके घर वालों को बच्चों को पसंद है उस हिसाब से डालिए। अब थोड़ा सा इसमें ऑरिगैनो डाल देंगे, अच्छे से डालेंगे ताकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑरिगैनो भी डाल दिया। अब इस प्लेट को लेंगे और इसको हम माइक्रोवेव या ओवन में नहीं बनाएंगे, इसको नॉर्मल सी कढ़ाई में हम बेक करेंगे, जिसमें मैंने पहले से ही इसको गरम करने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया था। नीचे मैंने नमक डाला, ऊपर स्टैंड रखेंगे, फिर उसके ऊपर रख देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए इसको अच्छे से बेक करेंगे ताकि ये बिल्कुल लगे कि जैसे हमने माइक्रोवेव या ओवन में बनाया है। तो देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से ग्रिल हो चुका है, अच्छे से बेक हो चुका है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसका कलर देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है। और जब आप इस तरीके से अगर बच्चों घर वालों के सामने पड़ोसोगे तो वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और बहुत ही इंजॉय करके इस सैटरडे को मनाएंगे और बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि मुझे बाहर लेके चलो या रेस्टोरेंट में खिलाने के लिए लेके चलो। तो इस इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग स्नैक को आप अपने घर पे बनाइए बिल्कुल नॉर्मल से घर की चीज़ों से और बिना माइक्रोवेव बिना ओवन को। और अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो और अगर आपके बच्चों को आपने बना के खिलाया तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरी माएँ भी इसको अच्छे से बना के बच्चों को हाइजीन और हेल्दी थोड़ा सा खिला सके। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।